अपने विचारों को या अपने थॉट्स को स्थिर कैसे करें, उसके बारे में आपसे मैं आज बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, मुंबई, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग हमें फ़ोन के ऊपर कंसल्ट करते, काउंसलिंग करते और पूछते रहते। फ़ोन के ऊपर हम मानसोपचार करते, साइकोथेरेपी करते, सम्मोहन उपचार करते, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और उसमें जो सवाल आते हैं उसके बारे में मैं जब उनको बोलता हूँ तो मैं सोचा कि आपके साथ में मैं शेयर करूँ। क्या होता है कि हमको काफ़ी सारे थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, और वो थॉट्स कुछ अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में थॉट्स काफ़ी सारे आते रहते हैं। काफ़ी सारे थॉट्स जो है वो भविष्य के बारे में आते, फ्यूचर के बारे में आते रहते हैं। तो कुछ थॉट्स फ्यूचर के बारे में जब आते हैं तो उसके बारे में फिर चिंता मुझे लगती है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, वरी होती है। जब पास्ट के बारे में मैंने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, दुख हो जाता है। और फिर एक के पीछे एक थॉट आते रहते हैं, पीछा करते रहता है एक थॉट दूसरे थॉट को, और वो निकलते रहते हैं। क्या ये थॉट को मैं स्थिर कर सकता हूं? जो एक थॉट मेरे मन में आया उसके ऊपर सोच रहा हूं, पता नहीं उसको कब बाहर फेंके जाता है, और दूसरा एक थॉट आ जाता है, उसको वो बाहर फेंक देता पहले वाले को। फिर एक तीसरा थॉट कब आता मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, वो दूसरे वाले को बाहर फेंक देता है, वो वहां रहता है। फिर ऐसे चालू रहती श्रृंखला, ये सीरीज ऐसे चालू रहती थॉट्स की। कहीं मुझे फोकस करना है तो मुझे वो फोकस होता नहीं है, क्योंकि ये जो थॉट्स आते रहते हैं वो मुझे एक जगह फोकस ही नहीं करने देते, कंसंट्रेशन होता नहीं है। और कंसंट्रेशन तब होगा जब एक थॉट मेरे दिमाग में स्थिर रहेगा। समझे, एक थॉट है कि मुझे डॉक्टर बनने का है और मुझे बहुत पढ़ाई करने की है, तो ये थॉट कायम 24/7 समझो मेरे दिमाग में रहता है 2400 घंटे, कि मुझे डॉक्टर बनने का है, बहुत पढ़ाई करने की है, इसलिए मुझे नीट क्रैक करने की है और अच्छे मार्क मिलाने का, ये थॉट समझो दिमाग में बना रहेगा। तो फिर मुझे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसने मुझे बोलने का काम ही नहीं पड़ेगा। मगर बच्चों को ये बार बार क्यों बोलना पड़ता, मोटिवेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो थॉट जो है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे CA बनना है, मुझे इंजीनियर बनने का है, जिसके लिए उसको लगता है कि मुझे करना है, वो थॉट निकल जाता, नया थॉट आते रहता है। तभी वो हमको देखना पड़ेगा कि ये थॉट स्थिर कैसा रहेगा दिमाग में। और वो स्थिर दिल रहता है तो फिर हम फोकस कर सकेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कर सकेंगे कोई भी चीज़ के ऊपर, और फिर जो भी देख रहे हैं वो 100% अंदर जाएगा। हमको मालूम है कि हम समझो पिक्चर 2 घंटे का देख रहे हैं, एक सिनेमा देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, तो मूवी में हम वहाँ पूरा 2 घंटे लगा रहते हैं, क्योंकि वो स्टोरी चालू रहती है। वो स्टोरी चालू जब रहती है तब भी हम हमारे जीवन से उसको रिलेट करते रहते हैं, और बीच बीच में भागम भागी इधर उधर अपने दिमाग में चालू हो जाती है। जब मूवी की स्टोरी चालू है तो हम भी बाहर चले जाते हैं इधर उधर, उसको रिलेट करते थे हमारे लाइफ से, मतलब वहाँ भी हम ऐसा लगता है कि हम 2 घंटे वहाँ हैं, 2 घंटे वहाँ रहते नहीं हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, क्योंकि थॉट्स अलग अलग उस समय भी आते रहते हैं। तभी हमको ये कलाकारी सीखनी पड़ेगी कि थॉट जो है वो एक स्थिर मेरे दिमाग में एक ही थॉट कैसा रहे, ताकि फिर मैं फोकस कर सकूंगा जो काम मेरे वो थॉट्स से, फिर काम के ऊपर में मतलब वो मतलब जो थॉट आ रहा है उससे मेरा काम निकलेगा, कोई एक्शन दिखेंगे, कोई कर्म दिखेगा मुझे, मैं वो कर रहा हूँ, थॉट स्थिर है, काम वही कर रहा हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन फोकस जो है वहाँ हो रहा है और मुझे अच्छा आउटपुट मिलेगा। वैसा देखा जाए तो जो थॉट जो है मैक्सिमम निगेटिव थॉट रहते हैं। हम तो मूलतः हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट आते रहते हैं, मतलब हमने पॉजिटिव सोचा कि पॉजिटिव थॉट आना चाहिए तो वो पॉजिटिव थॉट रहता नहीं है, वो कुछ समय के बाद में पॉजिटिव थॉट को निगेटिव थॉट कब रिप्लेस करता मालूम ही नहीं पड़ता, और फिर एक के पीछे एक निगेटिव, हम तो डूबे जाते हैं। हम तो एक्सपर्ट है कायम निगेटिव थॉट्स में रहने के लिए, मतलब वो जो भी अनकंट्रोल्ड है निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और वो कब पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देंगे पता ही नहीं चलता, और फिर निगेटिव से हम पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, अपना जूस, गारंटी, वारंटी सब निकल जाती है। तभी हमको ये देखना पड़ेगा कि ये निगेटिव थॉट, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि निगेटिव थॉट आ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, एकाधी घटना हो जाती है। अभी हमारे पास में एक पेशेंट आया, उसके पत्नी को, मतलब उसकी पत्नी सर्विस करती है,
उसके पत्नी को उसने उसके बॉस के साथ में ऑफिस के बाहर निकलते समय देखा। वो उसको लेने के लिए गया था ऑफिस में वापस शाम के समय कि उसको घर पे ले जाना, और वो साथ में चल रहे थे, और साथ में चल रहे थे वो इतने ऐसे पास में थे कि उसको लगा कि इनका फिजिकल कॉन्टैक्ट अभी हो गया जब पास में चल रहे। तो इसके दिमाग में थॉट आ गया कि इसका मतलब ये है कि इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, लफड़ा होगा। इसने इसके दिमाग में उसका कुछ मीनिंग लगा दिया कि भाई मेरे पत्नी के संबंध इसके बॉस के साथ में है। अब वो थॉट इतना बड़ा हो गया कि वो पेशेंट बन गया। अब उसने पत्नी ने वहाँ से राजीनामा दिया, रिज़ाइन कर लिया, क्योंकि भाई इसको ये इतना डिस्टर्ब है कि नहीं तेरे संबंध तेरे बॉस के साथ में है ही। उसने तुरंत दूसरे दिन रिज़ाइन कर दिया, और तभी भी अभी 6 महीने हो गए ये घटना को, और तभी भी उसके दिमाग में वो थॉट है कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया, उसके बॉस के साथ में उसके संबंध थे। फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे थॉट आ रहे हैं मगर मैं क्या करूँ, वो थॉट ही आ रहे। तो ऐसा काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट, एक आधी मूवी हम देखते हैं वो मूवी के ऐसे कुछ गंदे गंदे विचार या गंदे गंदे सीन होंगे वो अपने दिमाग में, नहीं चाहते होंगे वायलेंस के सीन होंगे वही बार 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 दिमाग में आते जाएंगे हमारे, और फिर वही रिपीट होते जाएंगे। या मूवी देखते फिर 2-3 दिन उसका असर चलेगा, वो निकलेंगे ही थॉट, एक थॉट सुबह आए और शाम तक चलते रहेंगे। फिर अब इसका करना क्या है, ये जो थॉट्स आते हैं उससे हमको मुक्ति कैसे पाना है? मुक्ति यही है कि आप अपने खुद के लिए टाइम निकालो, रोज़ अपने खुद के लिए टाइम निकालो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और अपने थॉट्स को जस्ट ऑब्जर्व करो, थॉट्स को देखो, वॉच करो। जब उसको आप वॉच करेंगे धीरे 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 धीरे, थॉट्स को वॉच करेंगे धीरे धीरे, वॉच कर रहे तो वो थॉट्स क्या होंगे, धीरे 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 मतलब स्लो हो जाएंगे, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। आपको वो दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 5 बार 10 बार कि जस्ट वॉच योर थॉट्स, और जब आप थॉट्स वॉच करेंगे उसकी स्पीड आने की कम हो जाएंगी, तो फिर आप प्रेजेंट में जीना चालू करेंगे। एक जो थॉट है उसको यदि वॉच करेंगे आप और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि वो थॉट अपने दिमाग में एक कुछ समय तक कायम रखने के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो यदि स्थिर रहेगा वो थॉट, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वॉच योर थॉट्स, आपके थॉट जो है उसको वॉच करो, उसकी प्रैक्टिस करो, साइलेंस में बैठो, और ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो जरूर थॉट्स कम करने की आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा वो थॉट्स नेगेटिव थॉट्स कम होते जाएंगे, और आपकी उत्पादनशीलता उत्पादन क्षमता बढ़ते जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएंगी, आपको सफलता मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपके ग्रुप्स के ऊपर शेयर करो, और बेल आइकॉन जो आता है उसको क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा मिशन जो है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।